चलिए अभी हम लोग निकल रहे हैं अकोला के लिए। अकोला से हम लोग जाएंगे धामनगांव गढ़ी। मेरी सिस्टर रहती है धामनगांव में, परतवाड़ा के पास धामनगांव गढ़ी, छोटा सा गाँव है, बहुत सुंदर गाँव है और चिखलदारा के तलहटी में बसा हुआ है, सबसे बड़ी बात है। तो वहाँ के लिए हम लोग निकल रहे हैं, मैं, अभिषेक, मम्मी और कविता, चारों लोग भगवान के दर्शन करके। ये है लोकमान्य तिलक टर्मिनस, यहाँ से सीधा सीधा, काफ़ी बड़ा स्टेशन है ये। मुंबई से कहाँ पे भी जाने के लिए ज़्यादातर ये टर्मिनस होने से हर जगह की गाड़ियाँ यहीं से जाती हुई मिलती है। पीछे हमने देखा इंग्लिश में नाम लिखा हुआ था, अभी यहाँ पर जो है यह लोकमान्य टिलक टर्मिनस, यह मराठी में नाम लिखा हुआ है, क्योंकि महाराष्ट्र में होने से, मुंबई या महाराष्ट्र का ही एक भाग होने से मराठी में स्टेशन है। देखिए अभी हम स्टेशन के अंदर एंटर हो रहे हैं और काफ़ी बड़ा कैंपस है, काफ़ी बड़ा एरिया है, सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। सामने प्लेटफॉर्म है, ये वेटिंग एरिया है और आप अगर इस हाथ पर देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर, तो वहाँ पर आपको रिजर्वेशन काउंटर दिखाई देंगे, टिकट विंडो है उस साइड में और काफ़ी रश है कोरोना होने के बावजूद। और यहाँ पर एक विशेषता ये देखिए कि यहाँ पर मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है, वो VT स्टेशन का पूरा यहाँ पर एक कलाकृति बनी हुई है, बहुत सुंदर है। और ट्रेन के पूरे यहाँ पर किस टाइप के ट्रेन्स थे उसके भी पूरे यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। तो ये बड़ा एक वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो VT है वो यहाँ पर बना हुआ है। और विश्व प्रसिद्ध एलोरा और अजंता केव्स जो है उसकी कलाकृतियाँ यहाँ पर उकेरी गई है। ये देखिए यहाँ पर मुंबई में एलिफेंटा केव्स है, ये भगवान शिव त्रिमूर्ति जो है तो यहाँ पर वो उकेरा गया है, बहुत सुंदर शिल्प बना हुआ है। इस हाथ पर देखिए तो आपको रावण कैलाश पर्वत उठाते हुए दिखाई दे रहा है, नटराज यहाँ पर है। ये एक विशेषता है महाराष्ट्र के अंदर, एलोरा और अजंता केव्स और एलिफेंटा केव्स, यह देखने जैसे स्थान है और बहुत सुंदर स्थान है, आप ज़रूर देखिए। ये जो ट्रेन है लोकमान्य तिलक टर्मिनस से हटिया तक की ट्रेन है और इसका नंबर है 02811। वापसी में जब हटिया से LTT के लिए आती है तो ये 02812 बनकर आती है और ये सारे नए कोच बने हैं मोदी जी के शासनकाल में, बहुत सिस्टमेटिक और बहुत अच्छे से बने हुए हैं। ये S4 है और इसके अंदर इंजन सामने की साइड में है, इंजन के बाद आगे AC कोचेस है, उसके बाद स्लीपर है और पीछे में स्लीपर और जनरल, ये सारे इस प्रकार के इसके अरेंजमेंट है। अच्छे, अच्छी गाड़ी, अच्छे कोचेस, अच्छी अरेंजमेंट और स्पेसिफिकली सीटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी है, रूम स्पेस बहुत अच्छी है। 02538 डाउन लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस विल लीव फ्रॉम प्लेटफॉर्म नंबर 3 एट 12:35। आज काफ़ी गाड़ी खाली है, ये S2 आ गया। अभी मैंने रिसेंटली देखा था तो करीबन 350 बर्थ खाली थे। और एक चीज़ यहाँ पर एक खासियत यह है, मोदी जी आने के बाद में सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, स्टेशन के ऊपर प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा सफाई होती है, क्लीनलीनेस है। देखिए यहाँ पर डस्टबिन लगे हैं, ग्रेट वेस्ट एंड आई वेस्ट, ये एक स्पेसिफिकली चीज़ को ध्यान रखा जाता है। आप प्लेटफॉर्म पे भी देखिए, आपको कहीं गंदगी नज़र नहीं आएगी, नहीं तो पहले के जो प्लेटफॉर्म थे उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रही। इसमें इस गाड़ी के अंदर कंट्री कार भी है सामने, ये क्योंकि लंबे रंग की गाड़ी है, कंट्री कार भी है। शायद कोरोना काल में कंट्री कार चालू रहती है नहीं रहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, देखते हैं। आइए कंट्री कार में जाकर आते हैं, नहीं तो लंबे रूट की
सवारियाँ होती हैं, उसके अंदर बैटरी कार बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। ये बैटरी कार चालू रहेगा बंद रहेगा? अभी हमने बैटरी कार में जाकर पूछा तो बोले कि अभी तो बंद रहेगा लेकिन सुबह खुल जाएगा। चलो अच्छा है, एसी के थ्री टायर के करीबन 6 कोचेस हैं, एक टू टायर के 2 कोचेस हैं, एसी फर्स्ट क्लास है। आइए, ट्रेन का समय हो गया है, अब हम चलते हैं अकोला। कल सुबह मुलाकात होगी अकोला में।